जैसे हम कल गोल्डन टेंपल की साइड में जो रास्ते 8 से 10 रास्ते आ रहे हैं उनको क्लियर किया है। आज हमारी टीम जो आउटर साइड है उस पर काम कर रही है। हमें रोज़ अपना रोज का रोज प्लान निकलता है, पूरे सिटी को हमने अब ट्रैफिक मुक्त करना है। जहाँ जहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है उस एरिए के लोगों के साथ मीटिंग करके और वहाँ पूरा ट्रैफिक का हल करेंगे, ताँ जो कि हमारा शहर जो बाहर से जो लोग सैलानी आ रहे हैं उनको देखने में अच्छा लगे। और क्योंकि हमारे पास अब ट्रैफिक की पुलिस भी पहले 150 से 200 थी, अब 500 साढ़े 500 आदमी हो गए, तो हमारा जो पूरा फर्ज बनता है दिन रात लगकर पूरे शहरवासियों को लॉ एंड ऑर्डर दें और बढ़िया ट्रैफिक का काम। यहाँ सरेंडर होने की बात की जा रही, कैसे इंतजाम पुलिस को और लोगों में दहशत न हो, लोगों को क्या मैसेज है? देखो ये सब कुछ आपसे ही पता चल रहा है, ये हमें मीडिया से ही पता चल रहा है कि वो पेश हो रहा है, वो यहाँ आ रहा है, इसमें हमें हमारे पास कोई इनपुट नहीं है। हमें तो पूरा अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, हमारे पास कोई भी अगर बंदा आएगा पेश होने के लिए हम उसको पेश कर लेंगे जो कानून के मुताबिक, तो हमारा पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। लोगों को क्या मैसेज है जो डर का माहौल करते हैं यहाँ आने लगे टूरिस्ट को? क्या नहीं, मेरी सभी से यही अपील है जो बाहर से फॉरेन से लोग आ रहे हैं, पूरे बाकी स्टेटों से लोग आ रहे हैं, पूरा यहाँ आए। हम भी अभी आए हैं तो रोज अपना यहाँ आकर मत्था टेकते हैं, लोग भी आए धन श्री गुरु रामदास जी के पास आकर अपना आकर मत्था टेकें, अपनी मरादा पूरा करें। और हमारे यहाँ अमृतसर में ऐसे गुरुद्वारा साहब मंदिर और काफ़ी धार्मिक स्थान है, तो यहाँ आकर वैसे भी लोगों को खाने पीने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है। पूरे लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आएँ, मत्था टेक कर घूम कर जाएँ, हमें भी अच्छा लगेगा और हमारे शहरवासियों को।